तो भाई लोग, 2 दिन पहले YouTube एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में बात की जानी चाहिए। पहले तो उसके नाम को लेके ही मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि फिल्म का नाम है दो पति, तो मुझे लगा लस्ट स्टोरी जैसी फिल्म टाइप होगी। तो मैं पहले हेडफोन लाया, फिर उसे लैपटॉप से प्लग इन किया और फिर मैंने ट्रेलर को प्ले किया। बट आफ्टर वॉचिंग कम्प्लीट ट्रेलर मैंने सोचा ये फिल्म मेकर लोग पागल है क्या, नाम कुछ और है, दिखा कुछ और है। फिल्म का नाम है दो पति और इधर दिखा रहे हैं दो पत्नियां। फिर मैंने सोचा कि ना 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 ना, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। मैंने कन्फर्म करने के लिए गूगल पे सर्च किया दो पति, थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मुझे नीचे मिला विकिपीडिया। सो मैंने उस पर क्लिक किया, तब जाके मेरे शंका को लघु शंका हुआ और जितने भी डॉट्स से सारे फ्लश होके नाले में बह गया। क्योंकि यहाँ दो पति का मतलब दो हस्बैंड नहीं, यहाँ पे दो पति का मतलब वो जो कास्ट तीन पति वाला एड देखा होगा, वो जो पत्ते खेलते हैं वो है। एंड ऑफकोर्स इसके उच्चारण में भी डिफरेंस है, दो पति दो पत्ती, दो पति दो पत्ती, यू कैन सी इट क्लियरली, और आई वॉज एन इडियट। सो नेम का डॉट खत्म होने के बाद अब ट्रेलर में क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का स्टोरी कुछ इस तरह से होने वाला है, एक पति यानी कि ध्रुव सुद, ध्रुव राठी नहीं, उसकी पत्नी कृति सेनन एज सौम्या सूद और ध्रुव सूद की साली शैली के बीच भसर मचा हुआ है। और भसर इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ध्रुव सूद की वाइफ और ध्रुव सूद की साली दोनों हमशक्ल है, जुड़वा है। सो अब आप समझ सकते हो किस तरह का पागलपन होने वाला है। और डबल लोड के कारण आपके दिमाग के साथ जो थिएटर में होगा वो आपको थिएटर में ही पता चलेगा। डबल लोड के कारण मेरे दिमाग की तो दही हो जाती है भाई। और इसी पागलपन के बीच जो क्राइम होता है उसी क्राइम की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काजल एज अ विद्या ज्योति इस फिल्म में पुलिस बन के आ रही है। इसलिए दोनों बहनों के बीच कुछ खास बनती नहीं है, इसीलिए पति पत्नी के जोड़ी के बीच में साली अपने डबल रोल का फायदा उठा रही है, यानी कि अपने जुड़वा होने का फायदा उठा रही है और दोनों के रिलेशन में भसर मचा रही है और क्राइम को अंजाम दे रही है। अब क्राइम को अंजाम कौन दे रहा है, ट्रेलर में इतना ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट इतना जरूर कहना चाहूंगा जिस तरह से ट्रेलर में लोगों को कंफ्यूज किया गया वो काबिले तारीफ है। इसके लिए स्क्रीन प्ले डायरेक्टर और एडिटर की तारीफ बनती है। सो ये फिल्म 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप जाके इस फिल्म को देख सकते हो। अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये फिल्म को देख सकते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं और ये अलाउ भी नहीं करता है कि आपको हम यहाँ बताएं कि आप कैसे उस फिल्म को देख सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मगर क्यों, सो ट्रेलर काफी थ्रिलिंग लग रहा है, भले ही मुझे थ्रिलिंग का हिंदी मतलब नहीं पता है। सो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी आपसे, बाय।